फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हलवाई स्टाइल फूले फूले करारे ब्रेड पकौड़ा घर पर तैयार करेंगे। और देखिए यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा कितने फूले फूले और करारे बने हैं, दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सर्दी और बारिश के मौसम में भी सभी को पकौड़ा खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम हलवाई स्टाइल ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड पकौड़ा के अंदर भरी जाने वाली आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करते समय गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गर्म करेंगे और अब इसमें एक छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच जीरा डालकर थोड़ी देर तक भूनेंगे। छोटा बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज भून गया है, अब इसमें उबले हुए मटर डाल देंगे। दो हरी कटी हुई मिर्च डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा मटर को दबाते हुए मिक्स करते रहेंगे। स्वाद अनुसार स्टफिंग में मसाले डालेंगे, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ भी डाल सकते हैं। मसाले भुन गए हैं, अब तीन उबले हुए आलू डालकर बाकी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए आलुओं को बाकी मिश्रण के साथ धीमी आंच पर भून लेंगे और कलछी से दबाते हुए सारे मिश्रण को मिक्स कर लेंगे। ब्रेड के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। अब हम ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। 1.5 कप बारीक बेसन लेंगे। अब स्वाद अनुसार कुछ मसाले डालेंगे, जैसे नमक, जीरा, धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन। अब सभी मसाले बेसन में मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर बेसन का एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। बेसन का घोल ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। हो सके तो थोड़ा सा पतला सा ही घोल रखें, क्योंकि पतले घोल से पकौड़े की परत क्रिस्पी बनती है। मिक्सर को 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। बीट करने के बाद ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे। घोल को इस तरह से बीट करने से और रेस्ट देने से बेसन के घोल के अंदर हवा से भर जाती है और पकौड़े बहुत बढ़िया बनते हैं। यहाँ पर मैंने पकौड़ा बनाने के लिए मोटे बेसन की बजाय बारीक बेसन लिया है, क्योंकि बारीक बेसन से बेसन का घोल पतला बनेगा और इससे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पर मैंने 8 व्हाइट ब्रेड लिए हैं। अब हम 2 ब्रेड लेंगे, इनके अंदर आलू की स्टफिंग भरेंगे। ब्रेड के अंदर थोड़ी सी स्टफिंग करेंगे, अगर ज्यादा करेंगे तो ब्रेड टूट जाएंगे। इस तरह से मैंने सारे ब्रेड के अंदर स्टफिंग कर दी है। चाकू की मदद से बीच में से काट देंगे। अब सारे ब्रेड तेल में तलने के लिए तैयार है। अब बेसन के घोल को भी 10 मिनट हो गए हैं। फिर से थोड़ा सा बेसन के घोल को मिक्स कर लें। अब एक तैयार किया हुआ ब्रेड लेंगे और बेसन के घोल में डाल देंगे। ब्रेड के ऊपर चारों साइड बेसन का घोल अच्छे से लगा दें। जितने कढ़ाई में ब्रेड आ सकते हैं उतने हम तल लेंगे। सबसे पहले हम ब्रेड को पूरी तरह से नहीं तलेंगे, सिर्फ 20-30 सेकंड के लिए ही तलेंगे। इतने समय में ब्रेड हाफ फ्राई हो जाएंगे। अब एक बार मैंने सारे ब्रेड को हाफ फ्राई कर लिया है। इन सभी ब्रेड को बाहर निकाल लेंगे। एक बार सारे हाफ फ्राई किए हुए ब्रेड को फिर से उसी कढ़ाई में दोबारा से तल लेंगे। सारे हाफ फ्राई किए हुए ब्रेड को फिर से उसी कढ़ाई में दोबारा से तल लेंगे। इस तरह से 2 बार फ्राई करने पर ब्रेड पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। हलवाई स्टाइल भरमा ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। और ये हलवाई स्टाइल इमली की खट्टी मीठी चटनी है। इस चटनी की पूरी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हलवाई स्टाइल ब्रेड पकौड़ा की ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।